जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मथुरा दास माथुर अस्पताल की ब्लड बैंक में सोमवार को अचानक आरसीसी छत का बड़ा हिस्सा धड़ाधड़ गिर गया। इस दौरान ब्लड बैंक के कर्मचारी काम कर रहे थे। गनीमत रही कि वे बच गए, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना में घायल कर्मचारियों के सीटी स्कैन करवाया गया। अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को छत के मरम्मत के निर्देश दिए हैं। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर स्वर्णलता के अनुसार सुबह करीब 12 बजे कर्मचारी अश्विनी व हनुमंत चौहान ब्लड बैंक में काम कर रहे थे। अचानक छत का बड़ा हिस्सा उन पर गिर गया। इससे दोनों को कुछ चोटें आई हैं, जबकि एक कर्मचारी भीमसेन कुछ देर पहले ही वहां से निकला था। एमडीएम में आज ब्लड बैंक में कंपोनेंट की छत जो है वो गिर गई है, उसमें हमारे दो लोग और घायल हो गए हैं। जो वहाँ पे काम कर रहे थे हाँ, उनको थोड़ी सी चोटें आई हैं, जिनको हमने तुरंत ट्रॉमा में भेजा। और हमारे अधीक्षक जो हैं विकास राजपुरोहित सर डॉक्टर, वो भी आकर के देख करके चले गए हैं, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी आकर के देख के उनको गए हैं, और मतलब उसको जल्दी से जल्द ठीक कराने का आश्वासन दे करके गए हैं वो। ठीक, मौके पर गिरे मलबे को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि छत का हिस्सा इतना मजबूत था कि जिस प्लेटफॉर्म पर गिरा था उसका ग्रेनाइट टूट गया, कई उपकरण भी टूट गए। अंदर जब छत गिरने का धमाका हुआ उस समय एक रक्तदान शिविर चल रहा था, उसके लोग भी अंदर पहुंचे। गौरतलब है कि एमडीएम अस्पताल के पुराने भवन की छतों पर लगातार निर्माण व पानी का रिसाव होने से कई जगह से कमज़ोर हो चुकी है, जिसके चलते कई बार ऐसे हादसे होते रहते हैं। टाइम 8 राजस्थान के लिए जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मथुरा दास माथुर अस्पताल की ब्लड बैंक में सोमवार को अचानक आरसीसी छत का बड़ा हिस्सा धड़ाधड़ गिर गया। इस दौरान ब्लड बैंक के कर्मचारी काम कर रहे थे। गनीमत रही कि वे बच गए, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना में घायल कर्मचारियों के सीटी स्कैन करवाया गया। अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को छत के मरम्मत के निर्देश दिए हैं। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर स्वर्णलता के अनुसार सुबह करीब 12 बजे कर्मचारी अश्विनी व हनुमंत चौहान ब्लड बैंक में काम कर रहे थे। अचानक छत का बड़ा हिस्सा उन पर गिर गया। इससे दोनों को कुछ चोटें आई हैं, जबकि एक कर्मचारी भीमसेन कुछ देर पहले ही वहां से निकला था। एमडीएम में आज ब्लड बैंक में कॉम्पोनेंट की छत जो है वो गिर गई है, उसमें हमारे दो लोग और घायल हो गए हैं। जो वहाँ पे काम कर रहे थे हाँ, उनको थोड़ी सी चोटें आई हैं, जिनको हमने तुरंत ट्रॉमा में भेजा। और हमारे अधीक्षक जो हैं विकास राजपुरोहित सर डॉक्टर, वो भी आकर के देख करके चले गए हैं, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी आकर के देख के उनको गए हैं, और मतलब उसको जल्दी से जल्द ठीक कराने का आश्वासन दे करके गए हैं वो। ठीक, मौके पर गिरे मलबे को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि छत का हिस्सा इतना मजबूत था कि जिस प्लेटफॉर्म पर गिरा था उसका ग्रेनाइट टूट गया, कई उपकरण भी टूट गए। अंदर जब छत गिरने का धमाका हुआ उस समय एक रक्तदान शिविर चल रहा था, उसके लोग भी अंदर पहुंचे। गौरतलब है कि एमडीएम अस्पताल के पुराने भवन की छतों पर लगातार निर्माण व पानी का रिसाव होने से कई जगह से कमज़ोर हो चुकी है, जिसके चलते कई बार ऐसे हादसे होते रहते हैं। टाइम 8 राजस्थान के लिए जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।